वेलकम बैक। मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था कि ग्लोबली एनिमेशन की वैल्यू तकरीबन 75 बिलियन डॉलर्स है। इसमें बहुत बड़े नाम कंपनीज के नाम भी इन्वॉल्व हैं, जिस तरह ड्रीमवर्क्स है, पिक्सार है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत छोटे पैमाने पे ये सारा काम हो रहा है। इसकी वजूहत क्या है और इसमें सबसे बड़े मसाइल क्या है? तो हमें लोकल कस्टम मेड कॉन्टेंट, एनिमेशन और कार्टून क्यों नहीं दिखते हैं? अगेन हमारे यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है लोकल कंटेंट की चैनल्स पे बहुत अच्छी हो सकती है, और हमें ज़रूरत है कि हम लोकल कंटेंट देखें। जिस तरह से हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर जो है वो लोकल कंटेंट डेवलप हो रहा है, जो वो अपने टीवी चैनल्स के लिए भी बना रहे हैं, अब अपने सिनेमाज के लिए भी बना रहे हैं, और अक्रॉस द बॉर्डर दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। ये लाइक बहुत ज़्यादा आउटसोर्स काम है, स्टूडियोज हैं जो कि इस वक्त इंडिया में खुल रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, सस्ती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ जो लोकल चैनल्स हैं या जो और प्राइवेट सेक्टर है, वो इसमें जो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोकल प्रोडक्शंस जो हैं वो ज़रूर हों। कॉर्पोरेट सेक्टर से अप्रिसिएशन तो बहुत है, बट थोड़ी सी स्लो अप्रिसिएशन हो रही है। प्रॉबेबली शायद इस वजह से बिकॉज वी आर आई थिंक एट द एंड ऑफ द होल थिंग, कि कमर्शियल बन रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है जो कमर्शियल बनाने वाले हैं, एजेंसीज हैं या जो भी डायरेक्टर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली कि मतलब वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं। वरना अगर वैसे अगर देखा जाए उनकी नज़र में अपनी विद इन द इंडस्ट्री तो बहुत एक्सपोजर है एनिमेशन को, लेकिन विद इन द कंट्री अगर देखा जाए तो एनिमेशन को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इट्स नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंस ये है कि ये प्रोडक्शन या ये एनिमेटेड कंटेंट उनकी अपनी जबान में आया है और उन्हें वो लोग नजर आ रहे हैं जो कि उनको आसपास नजर आते हैं नॉर्मल हमारी रियल लाइफ में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो उसी वक्त होगा जब हम अपनी लोकल प्रोडक्शंस करेंगे, और विच आई बिलीव कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो लोकल प्रोडक्शन जो है डेफिनेटली बढ़ेंगी। अभी इसका सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट है, बट द सेम टाइम इट विल बी लाइक फॉर चैनल ब्रॉडकास्ट आल्सो। ये कंटेंट जो है वो उसके लिए कुछ दोनों एंड पर इश्यूज है, मैं समझता हूँ कि फाइनेंसिस के भी इश्यूज हैं, HR के भी इश्यूज हैं। इस वजह से लोग मतलब उसको, जैसे आपने पहले सवाल किया कॉर्पोरेट के अंदर क्या है, अगेन अवेयरनेस के भी इश्यूज हैं। एनिमेशन का काम बहुत आउटसोर्स भी किया जाता है, पाकिस्तान के हालात का कोई असर पड़ता है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में? मार्केट का सबसे पहले मेरा ख्याल मतलब टुवर्ड्स अस तो बाद में आ जाता है, टुवर्ड्स पाकिस्तान पहले आ जाता है, बिकॉज ऑफ यू नो कि पाकिस्तान के हालात क्या रहते हैं और क्या नहीं रहते हैं। इसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा, इवन अगर वहाँ पर यहाँ पर काम हो सकता है उसके बावजूद लोग अवॉइड करते हैं यहाँ, बिकॉज दे डोंट नो। वी आर लिविंग इन अ सिचुएशन जहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो इस माहौल में नहीं रहते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल एक हेजिटेशन है कि बाहर के लोग जो है वो यहाँ पर आकर काम करना नहीं चाहते। अदरवाइज डेफिनेटली है, मैं समझता हूँ अगर IT भी देखा जाए, हमारा जो भी बैकग्राउंड रहा है मतलब पाकिस्तान का IT में भी, IT इंडस्ट्री में भी बहुत काम हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है। देयर आर कंपनीज इन इस्लामाबाद हू आर वर्किंग ऑन गेम्स, खुद अपनी प्रोडक्शन भी थोड़ी बहुत कर रही हैं वो, ठीक है, मतलब लोग एफर्ट ज़रूर मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट यस ये है कि जो बाहर वाला जो आने वाला है उसको वो कंफर्ट लेवल मेरा ख्याल मिल नहीं पा रहा है, जिस वजह से ओपन नहीं हो रही हैं चीज़ें। अगर लास्ट ईयर आप देखें, दैट वाज लाइक जितनी मोशन पिक्चर्स जो हैं एनिमेटेड आई हैं, नॉट फॉर जस्ट दी बच्चा पार्टी, जो हमारे यूजुअली होता है कि एनिमेशन जो है सिर्फ बच्चों के लिए है, जो एनिमेशन कॉन्टेंट अभी हम देख रहे हैं, लास्ट जो मूवीज आई हैं श्रेक, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर द किड्स, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से और बियोवुल्फ जब एक आई है, दैट इज नॉट फॉर ओनली किड्स, और अगर आप उनके देखें जो डायरेक्टर हैं लाइक रॉबर्ट ज़ेमेकिस इज वन ऑफ द लाइक फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ हॉलीवुड, जो मोशन फिल्म्स करते थे, दे आर डूइंग द एनिमेटेड कॉन्टेंट। सेम गोज विद स्टीवन स्पीलबर्ग, ही वॉज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनिमेटेड कॉन्टेंट वी से, बट दैट वाज फॉर हिम इट्स लाइक मोशन फिल्म। एक एनिमेशन को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इज द प्रॉब्लम, और प्लस ये ह्यूमन रिसोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्किल सेट का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो स्किल सेट का। एट दिस मोमेंट वी आर क्रिएटिंग आवर ओन HR, पर इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो कोर्सेज मल्टीमीडिया के करवाने शुरू कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अवेयरनेस जो है अभी हमारे ऑफिशल्स को भी नहीं है और हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं है कि अगेन
दिस इज ऑल्सो अ फील्ड देयर लॉट ऑफ स्कोप. बिलियंस ऑफ डॉलर जो है हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि प्रोग्रामिंग पे या आईटी पे रेवेन्यू जो है वो पड़ोसी मुल्क जनरेट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे. अभी पिछले वीक में एक मैं इंटरनेट पे वो कुछ रिपोर्ट्स आर्टिकल्स देख रहा था, 2009 में जो एक्सपोर्ट होगी इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अबाउट पर्टिकुलर एनिमेशन दैट वाज लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी, और हमारा इस वक्त लाइक नथिंग. ये काम हमारा नहीं है, ये काम इंस्टीट्यूट्स का है. जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो इस चीज़ को टेकअप कर लें तो हमारे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, कि वो किसी ना किसी ऐसे स्टेज पर पहुंचा दें कि वहां से हमें आगे लेकर जाना पड़े, ना कि हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़े. आई डोंट वॉन्ट टू लूज होप. मुझे नज़र आया कि पहले हम जो काम कर रहे होते या आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली स्केल तो बढ़ा है, स्कोप बढ़ा है चीज़ों का, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और बढ़ेगा. इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो हैं पूरी दुनिया जो है वो हर चीज़ में आगे निकल जाए और हम सिर्फ बैठे रहें हम अलग 100 साल तक. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा. स्केल का फर्क डेफिनेटली ज़रूर आएगा कि दुनिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है इस पर्टिकुलर फील्ड में, हम शायद उनसे बहुत स्लो ज़रूर रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर है कि हाँ ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी. देखें नाज़रीन, ये एनिमेशन इंडस्ट्री जो है बहुत बहुत बड़ी है, और इसमें अगर आप काम करना चाहें मेहनत और लगन से तो आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं. और जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, इंटरनेट के ज़रिए आप अपना काम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये बात बहुत ज़रूरी है जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म जिस तरह PSEB है या पाशा है, उनकी तरफ से अगर थोड़ी सी फैसिलिटेशन और मिल जाए पॉलिसी के हवाले से तो एनिमेशन की इंडस्ट्री और तेज़ी से बढ़ेगी. We're headed out for a short break, but don't go anywhere. We'll be right back with the websites. आज का चूँकि हमारा एपिसोड एनिमेशन की तरफ ज़्यादा गियर्ड है, तो हमारी आज की फेवरेट वेबसाइट्स भी एनिमेशन प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ फोरम्स को कवर करती हैं. लेट्स गो चेक देम आउट. बिट्स एंड बाइट्स के काउंटडाउन में नंबर 3 पर है kidsdom.com. ये बात सच जरूर है कि एनिमेशन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन kidsdom.com आपको ये सिखाता है कि एनिमेशन अगर सही तरीके से की जाए या सीखी जाए तो वो बच्चों का काम भी बन सकती है. ट्यूटोरियल्स, सिंपल सेल एनिमेशन, 2D और 3D एनिमेशन के ट्रिक्स के साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस इस साइट पर से भी सीख सकते हैं. इस साइट को इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्लैश और जावा प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे, एंड ऑफ कोर्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत होगी. आखिरकार ये एनिमेशन है. नंबर 2 पर है anyboom.com. जिस तरह YouTube या current.com पर आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, Anyboom पर आप मुख्तलिफ एनिमेशन देख सकते हैं. लेआउट बड़ा जबरदस्त है और नेविगेशन करना बहुत आसान. Anyboom की साइट पर रेगुलर बेसिस पर कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन भी होते हैं और आप इनमें हिस्सा भी ले सकते हैं, शायद आप कुछ जीत जाएं. अपने आप को रजिस्टर करवाना ना भूलिएगा और अपने करियर का आगाज कर दें. एनिमेशन जिंदाबाद. anyboom.com जिंदाबाद. नंबर 1 पर है cgexpanse.com. cgexpanse पाकिस्तान की ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिटी है और आपको प्रोडक्शन हाउसेज, एनिमेटर्स, डायरेक्टर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और बहुत सारे लोकल इंडस्ट्री के लोग यहाँ मिलेंगे. जिन लोगों को ये सोचना है कि पाकिस्तान में लोकल आर्टिस्ट्स के लिए कोई फोरम नहीं है, उन लोगों को यहाँ आकर देखना चाहिए कि कितने लोग आपस में जबरदस्त तरीके से इंटरेक्ट करते हैं. साइट में बहुत ग्राफिक्स और स्क्रिप्ट्स चल रही हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले में बहुत जल्दी लोड हो जाती है. ग्लोबल नेविगेशन ऊपर की जानेब है और पेज स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आपको और काम के लिंक्स भी नजर आएंगे. इस साइट पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, आपको इस साइट के जरिए बहुत मदद, एडवाइस और काम भी मिल सकता है. बिट्स एंड बाइट्स की टीम को cgexpanse.com का साइट सर्च ऑप्शन भी बहुत इफेक्टिव लगा था. और हमारी सबसे फेवरेट साइट है animationmentor.com. अगर आपको एनिमेशन के बारे में सीखना है, टिप्स और ट्रिक्स की तलाश है, या तो फिर ट्यूटोरियल्स और वीडियोस के जरिए खुद एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फिर animationmentor.com की साइट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी. एनिमेशन मेंटोर एक ऑनलाइन एनिमेशन स्कूल है जिसमें 18 महीने का ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ऑफर किया जाता है. ई कोर्स फ्री तो नहीं है, लेकिन बिट्स एंड बाइट्स की टीम को बहुत सारे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट से बात करने के बाद ये पता लगा था कि बहुत फायदेमंद साबित होती है. याद रखिएगा, इस साइट को या इस कोर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी. हाउ वाज दैट?
अगर आपके पास कोई डेवलप की हुई वेबसाइट है जो आप हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं और बिट्स एंड बाइट्स के किसी फ्यूचर एपिसोड में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल एड्रेस पे ज़रूर लिख के भेजिएगा अपना पूरा नाम, अपना एड्रेस, ऑफ कोर्स ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एक छोटा रिव्यू. वी वुड लव टू हैव यू पार्ट ऑफ आवर एपिसोड. आपके बहुत सारे ईमेल्स हमें हर दिन मौसूल होते हैं हमारी वेबसाइट के ज़रिए. लेकिन आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है ये. जब हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो जीबी का क्या मतलब होता है? इज इट ए गीगाबाइट, बी गूगल बॉट और सी जाइगेंटिक बिट? वेल, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. हमें जरूर लिख के भेजिएगा व्हाट यू थॉट ऑफ दिस एपिसोड एंड व्हाट टॉपिक्स यू वांट अस टू फीचर इन द फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. आपके जैसे जैसे ईमेल्स आते रहेंगे, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, उतना ज़्यादा इंक्लूसिव ये एपिसोड बनेगा और ये शो बनेगा. अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा. दिस इज राबिया गरीब साइनिंग आउट.